फ्रेंड्स, मैं ललित आर्य और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल मैकेनिक्स। आज हम स्टैटिकल मैकेनिक्स में पार्टिशन फंक्शंस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ए सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरसेक्टिंग क्लासिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास एम इन ए टू डायमेंशनल हार्मोनिक पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म वी आर इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर टी इज, ये हमको इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास एन क्लासिकल पार्टिकल हैं जिनका मास एम है और टू डायमेंशनल हार्मोनिक पोटेंशियल हमको दिया हुआ है वी आर इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे को इस पोटेंशियल के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है एट टेम्परेचर टी पर, और हमारे पास ऑप्शन ये हैं कि एक हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू डायमेंशन में कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला। तो इन टू डायमेंशन कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन वो क्या होता है हमारे पास, जेड वन इज इक्वल टू, सबसे पहले हम सिंगल पार्टिकल के लिए कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे टू डायमेंशन में। तो जेड वन ये फॉर सिंगल पार्टिकल के लिए है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करा है जेड वन, और ये होगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस बीटा ई, ये हो गया हमारे पास। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, डी पी एक्स डी पी वाई ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स डी वाई। तो ये हमारे पास है कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन इन टू डायमेंशन में। अब हम यहाँ पे ई की वैल्यू लगाते हैं, तो ई हमारे पास क्या है, तो ई होगा हमारे पास ई हमारे पास होती है एनर्जी। तो फॉर टू डायमेंशन में इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास पी एक्स का स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस पी वाई का स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ये तो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या दी हुई थी, वी हमको दिया हुआ था अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई है। अब इस एनर्जी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो जेड वन आ जाएगा हमारे पास, जेड वन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ये हो गया ई की पावर माइनस बीटा। अब ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर एक्स अपॉन टू एम प्लस पी स्क्वायर वाई अपॉन टू एम प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर। अब हमारे पास इंप्लीकेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पी एक्स के रिस्पेक्ट में, पी वाई के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में और डी वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन पी एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन पी वाई के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया। अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ये हो जाएगा e की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर एक्स अपॉन टू एम, फिर हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर वाई अपॉन टू एम, फिर हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस बीटा अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस बीटा अल्फा वाई स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास डी पी एक्स, फिर हमारे पास डी पी वाई, फिर हमारे पास डी एक्स और फिर हमारे पास डी वाई। अब हम इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिख लेंगे, पी एक्स के साथ डी पी एक्स ले लेंगे, पी वाई के साथ डी पी वाई, एक्स के साथ एक्स और वाई के साथ वाई। तो अब हम इसको यहां लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर एक्स अपॉन टू एम डी पी एक्स, फिर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर
माइनस बीटा पी स्क्वायर वाई अपॉन टू एम डी पी वाई, फिर आ जाएगा माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी ई की पावर माइनस बीटा अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी ई की पावर माइनस बीटा अल्फा वाई स्क्वायर डी डी वाई, यह आ गया। अब हम इन सबकी इंटीग्रेशन, अब हम इन सबका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है, ये सेकंड इंटीग्रेशन है, ये थर्ड इंटीग्रेशन है और ये फोर्थ इंटीग्रेशन है। तो अब हम इन सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखते हैं क्या आती है। अब हमको मैथमेटिकल फिजिक्स में इनके फॉर्मूले पता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर इस टाइप का इंटीग्रल होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है और e की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर है इंटू डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास अंडर रूट पाई अपॉन ए, ये वैल्यू आती है। देखिए e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर इस फॉर्म का इंटीग्रल है तो उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई अपॉन ए। अब हम इन चारों इंटीग्रल को इससे कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रल में देखिए ए की जगह आ रहा है बीटा अपॉन टू एम, सेकेंड इंटीग्रल में ए की जगह है बीटा अपॉन टू एम, और थर्ड इंटीग्रल में ए की जगह है बीटा अल्फा, और फोर्थ इंटीग्रल में ए की जगह है बीटा अल्फा। तो अब हमारे तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो इसके लिए इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो हम ब्रैकेट बना लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन आएगा अंडर रूट पाई, अब ए की जगह यहाँ पे ए कितना, यहाँ पे ए कितना, यहाँ पे ए है बीटा अपॉन 2n, तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन 2n, ये आ गया। अब इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू ये भी कितना आएगा पाई बीटा अपॉन 2n, ये हो गया, ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ये सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अब हमारे पास थर्ड, तो थर्ड के लिए क्या है हमारे पास अंडर रूट पाई, अब यहाँ पे a देखिए फॉर्मूले में क्या है a है, तो अब यहाँ पे ए कितना है बीटा अल्फा, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ तो ए की वैल्यू कितनी है बीटा अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा अल्फा। अब फोर्थ इंटीग्रल की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट पाई बीटा अल्फा, ये आ गई है हमारे पास। अब हम इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखते हैं क्या आता है, अब इसके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये कितना हो गया, इसकी इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट पाई 2m अपॉन बीटा, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर अंडर रूट पाई 2m अपॉन बीटा, ये हो गया, इसको हमने 2m को ऊपर ले गए, 2m को ऊपर ले गए, अब ये हमारे पास कितना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन बीटा अल्फा, रूट कैंसिल हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, अब इसका हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पाई टू एम अपॉन बीटा, और एक वैल्यू हमारे पास ये है पाई बीटा अल्फा, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास पाई स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास पाई स्क्वायर 2m, देखिए पाई स्क्वायर नीचे कितना आ गया बीटा स्क्वायर अल्फा, नीचे आ गया हमारे पास बीटा स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास z1 कितना आ गया, तो z1 आ गया हमारे पास, और z1 क्या था सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन, तो फॉर सिंगल क्लासिकल फॉर सिंगल क्लासिकल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन कितना आएगा z1 इज इक्वल टू टू एम पाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। अब फॉर ये सिंगल के लिए था, अब फॉर एन क्लासिकल पार्टिकल, तो फॉर एन क्लासिकल पार्टिकल के लिए जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है वो होता है जेड इज इक्वल टू जेड वन
की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जेड वन कितना है, ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, जेड इज इक्वल टू टू एम पाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर एन। तो एन क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए जो हमारे पास पार्टिकल फंक्शन आया है, वो आया हमारे पास जेड इज इक्वल टू टू एम पाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर एम। तो ये हमारे पास पार्टिकल फंक्शन है एन पार्टिकल्स के लिए, जब पोटेंशियल कितना है, वी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कितना है, तो राइट आंसर है हमारे पास, राइट ऑप्शन इज डी। तो राइट ऑप्शन कितना है हमारे पास, डी, डी हमारा राइट आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए इस पोटेंशियल में। थैंक यू।